ये लिखा हुआ है एक फूल का नाम, लेकिन मैंने इसको गलत करके लिखा हुआ है, ठीक ना? ये फूल भी बन सकता है या लड़की का नाम भी बन सकता है, ठीक ना? तो मैंने इसको गलत करके लिखा हुआ है। मैम आपको बताना है ये कौन से फूल का नाम लिखा हुआ है, ठीक ना? यस मैम अगर ये सही फूल का नाम बता दोगी तो ये 100 रुपया फिर आपके हो सकते हैं, ठीक ना? यस तो चलिए मैम दिमाग लगाइए और बताइए फिर। इससे फूल का नाम भी बन सकता है और लड़की का नाम भी बन सकता है, ठीक ना? यस तो चलिए मैम बताइए फिर। बताते हैं। ठीक, हो गया। यस क्या लिखी हो? चमन। चमन। चमन कोई फूल का नाम तो नहीं है और ना ही कोई लड़की का नाम है। चमन लड़का का नाम हो सकता है, ठीक ना? लेकिन लड़की का नाम भी नहीं हो सकता है, नहीं फूल का नाम। तो मैम ये आंसर आपका गलत है, ठीक ना? यस चलिए मैम प्रयास कीजिए अच्छा से, ठीक ना? अक्षर को उधर उधर मिक्स कर दिया, ठीक ना? सिर्फ 3 अक्षर का ही बताना है, 3 अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक? यस तो चलिए मैम बताइए फिर। क्या होगा? क्या लिखी? चम्मच। चम्मच। यस चम्मच तो स्पून को बोलते हैं। चम्मच ये तो आपका गलत हो गया ना। चम्मच भी तो कोई फूल का नाम नहीं है, नहीं लड़की का नाम है। मैम ये आंसर आपका ये भी गलत है, ठीक ना? यस दिमाग अच्छे से लगाइए मैम, तभी कोई फूल का नाम बता पाओगी। दिमाग लगाएगी तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ना? चलिए दिमाग लगाइए अच्छे से। ठीक है, लगा के देखते हैं। ठीक चलिए एक चांस और देते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। है, बना के हो गया। यस क्या लिखी हो? चमेली। चमेली। चलिए मैम ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, तो यस लीजिए फिर 100 रुपया दीजिए। आपको, 100 रुपया आपके हो गए, ठीक? यस तो गाइज ये आंसर बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर।